So, class, uh, this is the activity. Good evening, everyone, once again. And so, we have to continue with the activity because we have completed up to here position of the test bud in the uh tongue. Okay, so here you have to feel just sore, here you have to feel just salty. So, this is the position of the test bud. Now we have to continue with the activity 2.4. वी हैव टू जस्ट आपको एक सेपरेट सैम्पल तैयार करना है सुगर सोल्यूशन कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन लेमन जूस और जूस नीम लीफ का ठीक है अब आपको ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ यूर क्लासमेट एंड आस्कम टू टेक आउट द टंग एंड कीप द स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन अपने क्लासमेट को बोलो अभी तो आप स्कूल में नहीं हो तो आप अपने घर में किसी को बोलो कि अपने जीप को बाहर निकालें यूज अ क्लीन टूथपिक एक लकड़ी लो ठीक है आ, उसके बाद एक एक सैंपल लकड़ी ने ट्यूब की तरह कुछ लो टंग पे जहाँ जहाँ पे ये बर्ड्स दिया है उसके मुंह पे वो जैसे चार सल्यूशन किया है ना एक नमक का एक लेमन जूस का ठीक है और एक थोड़ा सा नीम बीटर बीटर मतलब कड़वा और एक मीठा अब उसमें से पाइप से ले के सल्यूशन उसके ये जीप में जगह जगह डालो तो उससे पूछो कि कहाँ कौन सा टेस्ट आ रहा है क्योंकि कड़वा टेस्ट हमेशा यहाँ पे आता है इधर नहीं लगता कड़वा हमेशा यहाँ पे होता है ठीक है इस तरह से अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करो ठीक है तो देखो कि स्वीट कहाँ पे लग रहा है सॉल्ट कहाँ पे लग रहा है और सोर बीटर सब्सटैंड कहाँ किस एरिया में कौन सा तुम टेस्ट डिटेक्ट करोगी ओके अब इसके बाद आप कॉपी में इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉपी में आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे नाव कम टू द फूड पाइप दिस इज द फूड पाइप अब खाना मुंह से निकल करके अब आपके स्टमक में जाएगा जिसके लिए एक, एक पाइप होता है जिसके जरिए फूड योर फूड गोज टू दमक ओके सो दैट फूड इज नोन एज फूड पाइप इसको दूसरे नाम से भी एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं ओके सो इट इज द स्वेलो फूड पासिस इन टू द फूड पाइप दिस इज द फूड एंड वेन इट पासिस टू द स्टमक इट जस्ट फूड जो होता है फूड पाइप वो स्ट्रेचेबल होता है ठीक है स्पेस को अपनी जगह को बढ़ा सकता है ये नेक से लेकर के पूरा फूड पाइप आपके स्टमक तक गया है अब पहली का क्वेश्चन है शी वॉन्ट्स टू नो फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वामिटिंग उसको ये जानना है कि कभी कभी फूड क्या होता है ना जब आपको वॉमिटिंग होती है हो, तो स्टमक से निकल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो इसका क्वेश्चन इस का आंसर उसे चाहिए एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन बाय द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुज द फूड डाउनवर्ड्स ओके एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट देखो होता क्या है कि ये जो फूड है ये अपने टाइम पे जब आप खाना खाते हो तो ये इसको पहुंचाता है ठीक है लेकिन कभी कभी जब ओवर हो जाता है खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका जो एसिड होता है स्टमक में वो अच्छे से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये जो वॉल्व है ना ये बंद नहीं होता यहाँ से जो आपका फूड है वो वापस डायरेक्शन में मूव करने लगता है जिससे कि वॉमिटिंग होने लगती है ठीक है तो जब आपका स्टमक इसको एक्सेप्ट नहीं करता है अब आप याद करो कि आपको वॉमिटिंग कब हुई और किस रीजन से हुई तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा ठीक है कभी कभी आप ओवर ज्यादा खा ले तो या कभी कभी आपको ओबेसिटी होने लगती है तो ये मेन वजह है आपके वॉमिटिंग का अब स्टमक की बात करो तो फूड पाइप के बाद स्टमक आता है इट इज़ अ थिक वॉल बैक इट्स शेप इज लाइक एंड जे एंड इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल

ठीक है और ये एलिमेंट्री कैनल देखो पूरा माउथ से लेकर के एनस तक पूरा एक ही पाइप होता है जो कहीं मोटा कहीं पतला होता है तो ये भी उसी पाइप का पार्ट है स्टमक लेकिन ये थोड़ा सा मोटा है ठीक है एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट सबसे चौड़ा वाला पार्ट है ये अब ये फूड पाइप से फूड लेता है और फिर सीधे किसको देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पे डाइजेस्ट करके फूड सीधे दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक की दीवारों में म्यूकस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस यानी स्टमक की तो जो दीवारें होती है वो क्या क्या निकालती है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस म्यूकस क्या करता है आपकी स्टमक की दीवारों को इससे बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है प्रोटीनस और फैट और मिल्क इन सबको डाइजेस्ट करता है एसिड क्या करता है बैक्टीरिया जो होते हैं ना आपके स्टमक में उन सबको किल कर देता है उन सबको मार देता है ठीक है उसके बाद फूड को एसिडिक मीडियम बना देता है ताकि डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर काम कर सके डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं मैंने अभी बताया कि ये प्रोटीन को और अदर सब्सटेंट को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे फाइनल डाइजेशन होता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके ओके थैंक यू क्लास